अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आर एथी एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। इन वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा सिंध स्कूल एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2022-2023। प्रीवियसली यो स्कॉलरशिप प्रोग्राम एनजे विहार सेकेंडरी स्कूल कराची जिला आयो हुए, उनका बाद में ही स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम हाँ हली रो है पब्लिक स्कूल मीरपुर खास लाइ। हाँ स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम आया पब्लिक स्कूल गडाब जिला। इनका पहले जैसे तुम इन चैनल से नया आया तो मेहरबानी करें इन चैनल रेती एजुकेशन अकेडमी के सब्सक्राइब कर जी तवे बर वक्त हर नई स्कॉलरशिप की खबर पहुंची सके। इनका अलावा हिंसर जो स्कॉलरशिप हली रही सब का पहले पब्लिक स्कूल मीरपुर खास 2022-2023 एडमिशन जो क्लास 6 का वी 12 ती है जी आखिरी तारीख 25 मार्च 2022 है। उनका बाद में सकर यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप आई है सिंध चिल्ड्रन प्रोग्राम 2022 जैसी आखिरी तारीख 24 मार्च है टेस्ट जो 3 अप्रैल से है। उनका अलावा स्कॉलरशिप प्रोग्राम डॉक्टर एक्यू खान जो आयो है जो सिंध पंजाब और बलोचिस्तान जिला है जैसी भी आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। ही जो टे स्कॉलरशिप ये मार्च में खत्म थी वी। उनके अलावा हाँ जो स्कॉलरशिप है पब्लिक स्कूल गडाब जिला स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त घुराजन थी जो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के तावन से है। ही जो आखिरी तारीख है वह 11 अप्रैल है। पब्लिक स्कूल गडाब कराची में स्कॉलरशिप हासिल करने का मौका हासिल सहूलत से गड सिंध एजुकेशन फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2022-2023 के बुनियाद। ही स्कॉलरशिप फकत सरकारी और सेफ जे स्कूल के लिए है। स्कूल के शागिर्द स्कॉलरशिप हासिल करने का मौका है। पब्लिक स्कूल गडा मैनेज बाय सगा सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन और एक रेजिडेंशियल स्कूल है जो 2012 में कायम किया हुआ। पब्लिक स्कूल गडा इन काम किया जैसे स्टूडेंट्स के अकेडमिक्स स्पोर्ट्स करिकुलर एक्टिविटीज में उन्होंने भरपूर तरह से हर फैसिलिटी मुहैया कई वे। इनका पब्लिक स्कूल गडा में मुख्तलिफ़ किस्म जो क्लब्स और सोसाइटीज हैं जैसे स्टूडेंट्स जो कॉन्फिडेंस और उनके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ सकन। हिंसर गलिंदा स्कॉलरशिप के बारे में सिंध स्कूल एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2022-2023 जो पब्लिक स्कूल गडाब के लिए है। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ही स्कॉलरशिप 6 से 12 क्लास तीन यानी कि 6 साल 100% स्कॉलरशिप अनाउंस कई है जैमें बार के राश का वी ताम टिन्हीं वक्त जो खाधो पीतो उनका अलावा उन्होंने यूनिफॉर्म उनसा गडो गड महीने जो वजीफो भी पिण दींदा। इनकी जो चूंड थी वह मुकम्मिल काबिलियत की बुनियाद थी। उनका अलावा जो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जैसे तुम्हें नहीं खबर सिंध एजुकेशन फाउंडेशन सिंध गवर्नमेंट जो एक इदारो है जो मेन मकसद यो है पुठते पड़ियल एरियाज में वही तालीम पहुंचाएं। जे सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जो केतरा ही प्रोग्राम हली रहा है जैमें स्कॉलरशिप के प्रोग्राम हिंसर स्टार्ट किया 2017 में इन ती 2000 स्टूडेंट्स सिंध के मुख्तलिफ और मियारी स्कूल में कॉलेज में तालीम पढ़ा रहा है जैमें मीरपुर पब्लिक स्कूल मीरपुर खास एनजे वी हायर सेकेंडरी स्कूल कराची गडा जो पब्लिक स्कूल उनके अलावा आई बी कम्युनिटी कॉलेज जो भी हैं आई बी स्कूल्स जो भी हैं उन्होंने भी ये तालीम हासिल कर रहा है। पब्लिक स्कूल गडा में केर अप्लाई कर सके तो सब का पे दरख्वास्त गुजार लाजमी तौर से इन वक्त 5 क्लास शागिर्द हो ठीक है। उनका बाद में कें भी सरकारी या सेफ जे स्कूल जो हकीकी शागिर्द दरख्वास्त गुजार गुजरल 3 साल का मतलब 3, 4, 5 क्लास जो भी हैं वो सरकारी या सेफ जे स्कूल में पढ़ंदर हो ये ना हो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ंदर हो चौथे में दाखिला वरती अस सरकारी स्कूल में या 5 में वरती अस उनकी एडमिशन को उनके अलावा दरख्वास्त गुजार की उम्र जो इश्तहार आखिरी तारीख तीन 12 साल का मथे ना हो 12 साल का मथे ना हो शागिर्द शागिर्दान। ही स्कॉलरशिप सिर्फ कराची डिवीजन के लिए सिंध के सिर्फ कराची डिवीजन के लिए है छो जो एन जे वी हायर सेकेंडरी स्कूल की जो स्कॉलरशिप हुई वह पूरे सिंध के लिए हुई जैमें क्लास 8 का वी क्लास 9 का वी स्कॉलरशिप हुई। उनके अलावा पब्लिक स्कूल मीरपुर खास जो स्कॉलरशिप हुई वह सिर्फ उमरकोट और डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास उम्मीद यह है हैदराबाद सखर लाड़काने डिवीजन के लिए स्कॉलरशिप जल्दी अनाउंस जो मुख्य लगे तो लाड़काने में जो पब्लिक स्कूल लाड़काना है सखर में पब्लिक स्कूल सखर है उनका अलावा आई बी कम्युनिटी कॉलेजेस है हैदराबाद में पब्लिक स्कूल सखर है तो इन में जल्दी स्कॉलरशिप्स अनाउंस कदा जो इन तारीखों वेझो इंदी। हाँ सवाल यो पे तो ये स्कॉलरशिप अप्लाई
करण के लिए कड़ा दस्तावेज कड़ा डॉक्यूमेंट्स घुर्बन मुकमिल तौर से भरल एडमिशन फॉर्म जैन जो मां वीडियो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बुझाइंदम त कि अप्लाई कजे कि फॉर्म फिल कजे बद पासपोर्ट साइज तस्वीरों जैसे बैकग्राउंड अच्छो हो या नीरो हो जी आर जो सुफो जो जैसे बार जो नालो दाखिल थे उनकी कॉपी थल हो स्कूल के हेडमास्टर का अटेस्ट थल हो ठीक है उनका बाद स्कूल जो लिविंग सर्टिफिकेट कम ही वो बाद में जैसे बार वो दाखिला जी इंटर टेस्ट पास इंटरव्यू भी पास कर बाद में एडमिशन लिविंग सर्टिफिकेट कम शागिर्द जो बेफाम वाले जो डोमिसाइल उनसा गड शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी लगान जरूरी है जैसे वालिद जो शनाख्ती कार्ड न ठहल या बेफाम न ठहल बार जो तो बेफाम एक डी में भी ठे सके तो वो मेहरबानी कर एप्लीकेशन दरख्वास्त देने तरीक जो तरीको यो दाखिला फॉर्म जो लिंक में दींदम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दींदम उन डाउनलोड कर सको या मुझे व्हाट्सएप कौ तो व्हाट्सएप जरिए भी मोकले सो तो वो भरणो है उनसा गड 600 रुपये जो नाकाबिल वापसी चालान फॉर्म है जो अस्करी बैंक की कहीं भी ब्रांच में तुम सबमिट करा सको दाखिला फॉर्म में जो फीस दिनल वे सब भरल हो ठीक है का भी इंफॉर्मेशन मिसिंग होंगी तो फॉर्म रिजेक्ट थी सके तो दाखिला फॉर्म उनसा गड भरल चालान और घुर्बल दस्तावेज समेत प्रिंसिपल पब्लिक स्कूल गडा कराची वट जमा कराइंदा एड्रेस ये है बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी चौरंगी मेन रोड गडा ठीक है कराची दाखिला फॉर्म तो पब्लिक स्कूल गडा की वेबसाइट पर भी तुम पे डाउनलोड कर सकते सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की वेबसाइट पर भी डाउनलोड कर सकता मुझे व्हाट्सएप भी कर सकता मैं तुम मोकले भी सकता तो उनके अलावा इनमें जो एंट्री टेस्ट थी वह एंट्री टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से होंगी मुश्तमिल होंगी सवाल सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड या जो मतलब बार पढ़ी रहा है ना टेक्स्ट बुक उन टेस्ट वरती वी टेस्ट जै मजमून में वरती वी उनमें अंग्रेजी आ बे नंबर से रियाजी आ टे नंबर से सिंधी या उर्दू वो बार मीडियम से डिपेंड करे तो उनके अलावा उम्मीदवार ला सैंपल पेपर या गाइडलाइन वेबसाइट पब्लिक स्कूल से अपलोड कई वी जै सैंपल पेपर पब्लिक स्कूल की वेबसाइट से अपलोड थी वो हल करे करे जरूर घुमाइंदुस इनकी रोल नंबर स्लिप है वह तुम्हारी एड्रेस डिनल होंगी उन्हीं मोकिल वो मोबाइल नंबर दींद उन्हीं टेस्ट जी डेट वगैरह वो भी SMS किया वो इनके अलावा स्लिप जो पब्लिक स्कूल गडा की वेबसाइट भी अपलोड कर डाउनलोड कर सको हि जो स्कॉलरशिप है सिर्फ सिंध गवर्नमेंट और सेव के स्कूल के लिए है उनमें पढ़ंदड़ शागिर्द उन्होंने लिए है प्राइवेट स्कूल शागिर्द है उनके अलावा चूंडियल शागिर्द या शागिर्दान जो भी सिलेक्ट थींदा उहे सिंध एजुकेशन फाउंडेशन से मुआहदो कंदा तो उहे 6 साल इन स्कूल में पढ़ंदा इन स्कॉलरशिप में पढ़ंदा कहीं भी गलत का भी गलत इंफॉर्मेशन दींदा फॉर्म में तो फॉर्म रिजेक्ट थी सके तो इन स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख है वह 11 अप्रैल 2022 तो मेहरबानी करें उनका पहले जैसे तुम चाहो था बार सुठी तालीम हासिल कर तो मेहरबानी करें उन्हें जो फॉर्म जल्द ही भराइ टेस्ट की तैयारी भी कराइज इनके अलावा जल्द ही अपलोड कदस तो इन स्कॉलरशिप में अप्लाई कें कज फॉर्म कें फिल कज जैसे तुम्हें चैनल से जरूर नया आयो तो मेहरबानी करें इन चैनल के सब्सक्राइब कर इनके अलावा पाँच दोस्तों से भी शेयर कर जी उन्हें भी हर वक्त स्कॉलरशिप्स और नई नौकरी की मालूमत मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।